अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपको। आज मैं चार फ़ोन बताने वाला हूँ जिसमें ओप्पो के फ़ोन भी शामिल हैं, जो कुछ तो मिल भी रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में से। अगर आपने नया फ़ोन लेना है और आपका बजट 20 से 40 हज़ार तक का है तो ये चार फ़ोन आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। तो इधर जो पहला फ़ोन है वो ओप्पो A54 वाला है, जो कि इंडोनेशिया मार्केट के अंदर जाने वाला है और साथ में आपको पाकिस्तान में भी मिल सकता है बहुत ही जल्द, क्योंकि A53 वाला फ़ोन इससे पहले 25 हज़ार की रेंज में मिलता था, तो उसका अपडेटेड वर्जन ये हो सकता है। तो ये वाला फ़ोन LCD वाला डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि पंच होल वाला है 720p की रेजोल्यूशन के साथ, और बैक इसकी काफ़ी अमेजिंग किस्म की है। तीन कैमरे बैक पर मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन है और 2 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जो कि पंच होल में मिलती है। 8 GB की इसमें रैम है, 128 GB की स्टोरेज है, मीडियाटेक P35 वाला इसमें चिपसेट है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड वाले बटन में है इसमें। 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का साथ में फास्ट चार्जर भी। जो प्राइस है वो 23-24 हज़ार तक की प्राइस में जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट फोन है वो पोको X3 प्रो वाला है। पोको X3 वाला डिसकंटिन्यू हो चुका है पाकिस्तान की मार्केट में, लेकिन आपको किसी शॉप पे मिल भी जाता है तो उसको आप मत बाय करना, क्योंकि उसका प्रो वर्जन आ चुका है उससे भी कम की प्राइस में। X3 प्रो वाला फोन आ चुका है समझे पाकिस्तान की मार्केट में अंदर, बहुत ही जल्द इसको भी अनाउंस कर दिया जाएगा और 38 हज़ार इस फोन की प्राइस होने वाली है। बाकी की स्पेसिफिकेशन इसकी सारी सेम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है कैमरास के अंदर, और चिपसेट इसमें चेंज किया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है, स्नैपड्रैगन 860 वाला। अगर आपने गेमिंग फोन लेना है तो तबाही किस्म का ये फोन आपके लिए। 6 GB रैम, 128 GB वाला वेरियंट पाकिस्तान में आएगा, लेकिन इसमें जो स्टोरेज टाइप है UFS 3.1 वाली है। 48 मेगापिक्सल का बैक पे मेन कैमरा है, बाकी 8 का अल्ट्रावाइड और 2 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है और बैटरी इसमें 5160 mAh की है। 33 वाट का साथ में फास्ट चार्जर है और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 6 की सपोर्ट है। इसमें LCD वाला डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला। नेक्स्ट फोन रियलमी C21 वाला है। ये वाला फोन भी ग्लोबली जा चुका है और पाकिस्तान में भी मिल सकता है आपको अप्रैल के मंथ में ही। 3 GB रैम, 4 GB रैम के साथ इसके दो वेरियंट है, साथ में 32 GB स्टोरेज और 64 GB स्टोरेज का ऑप्शन है। बैक पे 3 कैमरे हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन है और बाकी 2 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। मीडियाटेक G35 वाला इसमें चिपसेट है। 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 5000 mAh बैटरी, 10 वाट का चार्जर है और 20 हज़ार से कम की प्राइस में पाकिस्तान में अनाउंस हो सकता है बहुत ही जल्द। नेक्स्ट जो फोन है वो Mi 11 Lite वाला है, जो पाकिस्तान की मार्केट में मिल रहा है, तो इसकी 43,000 प्राइस होने वाली है। स्नैपड्रैगन 732G वाला इसमें चिपसेट, एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 6 GB 128 GB वाला वेरियंट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। UFS 2.2 वाला इसमें स्टोरेज टाइप है। 3 कैमरे बैक पे हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन है, 16 की सेल्फी है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड वाले बटन में है, 4250 mAh बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जर है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो लाइक करना। कोई भी क्वेश्चन है इन फोन के रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।